हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हुए हैं मंडी सिटी में और हम घंटा घर के सामने बैठे हुए हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि आज हमारा एक नुक्कड़ नाटक है जो कि हम यहाँ जहाँ चेयर्स लगी हैं परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा अर्ली आ चुके हैं, हमारा नाटक इवनिंग में है और हम ऑलमोस्ट 12 हम यहाँ पर हैं, तो हमारे पास 5 घंटे के करीब हैं। पहले हमने सोचा कि हम मूवी देखने जाएंगे, बट जो मूवी मुझे देखनी है वो लगी भी नहीं है और थिएटर पास में नहीं है, तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ का मार्केट और बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर 5 घंटे हम क्या करेंगे हमें खुद नहीं पता है। और अभी हमारी पूरी टीम भी यहाँ आ गई है, सबने चेंज कर लिया है, सबने वाइट कुर्ते पहने हुए हैं और ये ऑरेंज गमछा स्कार्फ क्या बोलते हैं उसको, दिस इज व्हाट इट इज। और ढोलक और म्यूजिक की टीम सब आ गए हैं, मैम आ गई हैं, हम बस वेट कर रहे हैं कि कब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्चुअली अभी बहुत धूप है और इतनी धूप में यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, थोड़ी सी शाम हो जाए स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे छात्र नेता अंकित जी, ये हमारे ग्रुप के एक नया मेंबर है, इनका नाम संदीप है, जो कि कल ही आए ना, परसों, हाँ परसों आए हैं, राजे नुक्कड़ नाटक करने आए हैं। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में नुक्कड़ करने आई हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज। बोल दो कुछ। ये हैं जावेद भाई, हैं बहुत सारे टीवी हमारे सचिन भाई बिहार के पूर्व नेता, हाँ वो पहचानते होंगे, देखे होंगे यूट्यूब पे। अच्छा, हमारे ग्रुप का बहुत अच्छा कपल एक they are deeply in love with each other। ये हमारा स्टेज है, ये विकास जो है सचिन से बेतहा मोहब्बत करता है। किसे? सचिन से। गलत नाम का बताया गया है। पर अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पहले डांस है और यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज में सॉन्ग्स है और डांस है कुछ यहाँ का, तो वो सब कुछ यहाँ पे अभी होगा, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस है। तो मिलते हैं हमारी परफॉर्मेंस में। कौन? राम राम चाचा, मैं राम राम। आओ बैठो, बड़ी जल्दी बाहुरे बाजार से। क्या बताऊं चाचा, सभी दुकानदार कहते हैं तुम्हारा पहला माल ही नहीं बिका, और माल लेकर क्या करेंगे? अरे कुछ तो कमाई करके लाए होंगे। अरे दुकानदार कहते हैं तुम्हारा माल धरा है, उठाकर ले जाओ, हमें नहीं बेचना। सही कहते हो, अब लगता है दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। अरे चाचा, लेकिन दूसरा काम करेंगे क्या? अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे चाचा क्या करोगे अब? अरे भैया पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे ना। लेकिन चाचा आपका तो क्या बोलते हैं उसको, पारिवारिक व्यापार है, तो आप उसको क्यों नहीं करते, अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते वो? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हो? अरे आप ही बताओ, जब ये खुद का पेट नहीं पाल पा रहे, घर वालों का पेट नहीं पाल पा रहे, तो ऐसा काम किस काम का? भाई साहब आप ही बताइए, ऐसा काम किस काम का जिससे हम खुद का पेट ना पाल पाए। लेकिन बेटा ये आपका अपना काम है, अगर आप इसे नहीं। अरे ये कौन सा बाजार है भाई? अरे इसे इंदिरा मार्केट बोलते हैं। ओ इंदिरा मार्केट। अरे यार मुझे तो दिल्ली जैसा लग रहा है ये। थोड़ा थोड़ा सीपी जैसा लग तो रहा है। मुझे मेरी माँ के लिए शॉल लेना था, पर यहाँ सब कुछ एक जैसा ही है, ये सामान तो कहीं भी मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से क्यों लूँ? अरे पर ठीक है, मुझे तो भूख लगे यार। हाँ यार भूख, बताओ कुछ खाने के लिए कुछ है तो। यहाँ की एक लोकल डिश फेमस है, क्या बोलते हैं उसको, सिड्डू। सिड्डू के खिलाई रे भाऊ, वो के खिलाई रे, क्या बोल रहे, मलयाली नहीं आनी समझे? ना ना नहीं। अच्छा तेरे नहीं बोलो, कहाँ से आए हो? दिल्ली। ये ठीक है साहब, बिना तू साहब आप यार मतलब यहाँ किस लिए आए हो? घूमने के लिए। घूमे हुए थे इंदिरा मार्केट? हाँ, देखा, पर
कुछ समझ पता भाई इंदिरा मार्केट का नाम और क्या? नहीं हमें नहीं पता। संकल आपके शहर की संस्कृति बहुत पसंद आई। अच्छा, घूमने आए थे, सब कुछ देखा, आपके रीति रिवाज, आपका खान पान हमें तो बहुत पसंद आया। अरे भाई, मन करता है कि यहीं बस जाएं। तब नहीं जाए, ये देखिए मोटी मोटी जो। पर क्या करे, हमारा परिवार बाहर है। अच्छा। हमारे माँ बाप बाहर है। वही गिरा गया मतलब। आना चल बोल। शादी हो गई है, शादी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप विदेश की नकल मत करिए। बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उनको माटी की खुशबू से भी रूबरू कराइए। बिल्कुल। अपने रीति रिवाजों से रूबरू कराइए। बिल्कुल। हमारे इस नाटक का यही उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक गाया है। अपनी संस्कृति जो बचाने कठे आशा जो बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े। तेरा कैट जी, आज का दिन, आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर, और गांधी जयंती के साथ साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो मैं चाहूंगी कि दो जो उनके लिए श्रद्धा सुमन है, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हीं के गीत के साथ हम लोग शुरू करेंगे। Thank you.
ले भाई। और आज सर का बर्थडे है तो हम बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, केक खा रहे हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखते रहिए मेरी ब्लॉग को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और आगे की ब्लॉग्स के लिए बने रहिए वाइब्स 3 तक।